दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाली दुशातिर चोरों को मानकापुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए हुए आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे ने दी। शहर में भले ही दिवाली की रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस का काम अभी भी बंद नहीं हुआ है। वो हर त्योहार में हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही अपने कर्तव्य को निभाते हुए मानकापुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले तो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी के पिता अलेक्सिस हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें देखने के लिए वो हॉस्पिटल में गए, जिस दरमियान उनकी दोपहिया गाड़ी उन्होंने अस्पताल के सामने खड़ी रखी। जब वो वहाँ से लौट कर आए तब उन्हें वहाँ गाड़ी नहीं दिखाई दी। पश्चात उन्होंने मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मानकापुर पुलिस ने अथक परिश्रम कर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे ने अधिक जानकारी साझा की। पोस्टे मानकापुर हद्दी मधून वेगवेगळ्या ठिकाणावरून वाहन चोरीचे गुन्हे घडत होते। त्या गुन्ह्याचा अभ्यास करून जे काही हॉटस्पॉट आहेत ते आम्ही ओळखले, त्याच्यावर काम करणं सुरू केलं। तेव्हा असं लक्षात आलं की जे गुन्हेगार आमच्या हाती लागलेले आहेत, हे गुन्हेगार एकाच दिवसामध्ये 2-3 स्पॉटवर चोऱ्या केलेल्या आहेत त्यांनी, आणि वेगवेगळ्या त्यांची जी मोडस होती ती शर्ट बदलून, एका स्पॉटवर जर एक शर्ट घातलेला असेल तर दुसऱ्या स्पॉटवर जाताना तो शर्ट बदलून चोऱ्या करत होता। आणि मोहम्मद आतिक नावाचा जो गुन्हेगार आमच्याकडे जो ताब्यात आहे, तो गाडी विकून त्याचा जो मित्र आहे गॅरेजवाला मोहम्मद अर्सलाक, याला तो गाड्या विकायचा, आणि हा अर्सलाक नावाचा जो व्यक्ती आहे गॅरेजवाला, हा त्या गाडीचे पार्ट्स त्याचे ज्याच्याकडे ज्या गाड्या दुरुस्तीसाठी आणणारा म्हणजे लोक देतात त्या गाडीच्या पार्ट्स गाडीला याचे हे पार्ट चोरीचे पार्ट्स तो लावत होता। आरोपियों की छानबीन के दौरान पता चला कि आरोपी चोरी करने के बाद सीसीटीवी में पुलिस को शक ना हो इसलिए चोरी के बाद अपना शर्ट बदल देते थे। वहीं दूसरा आरोपी चोरी की हुई गाड़ियों का इंजन अपने गैराज में ठीक करने के लिए लाई गाड़ियों से बदल देता था ताकि किसी को चोरी का पता ना चले। बता दें कि गिरफ्तार किए हुए आरोपियों का नाम मोहम्मद अतिक मोहम्मद खालिक और मोहम्मद अरसलान मोहम्मद फारूक बताया गया है और उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।